डीएक्सएन के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के इस मिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम मना रहे हैं डीएक्सएन का आरबीसी का सेलिब्रेशन, आरबीसी फ्रीडम डे सेलिब्रेशन। पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। मैं डॉक्टर राजवंशी, ये गैनोडर्मा क्या है? ये जो संजीवनी बूटी है, जो डीएक्सएन का मेन प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर ये डीएक्सएन कॉर्पोरेशन बेस्ड है, ये गैनोडर्मा क्या है? ये गैनोडर्मा ये 5000 साल पुराना जड़ी बूटी है। ये जो गैनोडर्मा है, इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसको राजा? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, IUS 23,000। ये इतने इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स किसी दूसरे हर्ब में नहीं पाए जाते हैं, जो इस गैनोडर्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इस गैनोडर्मा को कहा जाता है जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब्स। और जो हमारा इस जड़ी बूटी गैनोडर्मा से बना हुआ जो हिस्सा है आरजी, इसको उगाया जाता है, उगा के इसको बहुत बारीक करके इसका माइक्रो पाउडर बनाया जाता है। इसका जो फ्रूट बॉडी है वो है आरजी, और इसका जो रूट बॉडी है हमारा आरजी जेल के अंदर, जो टोटल हम दोनों को मिलाएंगे तो 8000 ppm ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जो किसी दूसरे हर्ब में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इस गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब, औषधियों का राजा कहा जाता है। एज ए ब्लड प्रेशर बैलेंसर के रूप में काम करता है। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे, इसमें 700 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। एलोपैथी एंगल से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे साइड पे, गूगल पे आप सर्च करेंगे डीएक्सएन गैनोडर्मा एंड हेल्थ, या डीएक्सएन गैनोडर्मा एंड इंग्रेडिएंट्स, या pubmed.gov, ये यूएसए गवर्नमेंट का साइट है, pubmed.gov आप डालेंगे, वहां पे आपको बहुत सारा साइड पे बहुत सारा रिसर्च आपको मिल जाएगा। ये मेरे हाथ में है, मिस्टेरियल रेमेडी ऑफ द इंसिडेंट्स लिंगजी गैनोडर्मा लुसिडियम, ये मेरे पास ये एक रिसर्च, इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये जड़ी बूटी के ऊपर है पूरा, ये आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च देखना चाहते हैं, ये देखिए मैंने ये पूरा एक ग्रंथ बनाया हुआ है, ये अलग अलग चीजों पे, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे ये पूरा रिसर्च निकाला है। ये पूरा एक बुक है, ये अलग अलग चीजों पे आप जाएंगे, इतना सारा रिसर्च किसी दूसरे हर्ब के ऊपर नहीं हुआ जो गैनोडर्मा के ऊपर हुआ है। ये पूरा है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे पूरा एक एक चीज पे। और ये स्पेशली अगर किसी एक प्रॉब्लम को आप लेंगे, किसी एक ही प्रॉब्लम को पकड़ना चाहेंगे, तो वो चीज को लेके ये पूरा रिसर्च है। ये बहुत बड़ा गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च है, और आप खूब अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं आप इंटरनेट पे जाके। ये दूसरा है, ये पूरा रिसर्च पेपर्स है गैनोडर्मा के ऊपर। तो एलोपैथी एंगल से इसके अंदर बहुत भरमार है। और अगर हम इसको आयुर्वेद एंगल से अगर हम बात करते हैं, तो चरक संहिता के अंदर इसको छत्तक चिकित्सा के नाम से इसका पूरा वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें, एक बुक आता है शेंग नोंग हर्बल क्लासिक, जो बुक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, ये करीब 3000 साल पुराना बुक है ये। इसमें इस गैनोडर्मा को A1 सुपीरियर हर्ब का दर्जा दिया जाता है। अगर हम धार्मिक बुक्स की बात करते हैं, तो जो हदीस शरीफ की बुक्स हैं, उसमें इसको अलकमतु जन्नत से उतरी ऐसा बोला जाता है। हदीस शरीफ की बुक्स के अंदर ऐसा मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ अदा फरमाई है, इसको अलकमतु जन्नत से उतरी हर्ब इसको ऐसा बोला जाता है। अगर ऋग्वेद में इसको बोला जाता है, इसका ऋग्वेद में भी वर्णन है, वहां पे ऋग्वेद में बोला जाता है औषधीय न धीयति, ऐसे करके ऋग्वेद में इसका वर्णन है, संजीवनी बूटी ऐसे इसको बोला जाता है। अमेरिकन वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर रिचर्ड गार्डन वासन, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द डिवाइन हर्ब ऑफ इमोर्टिलिटी। उसमें कहा गया है कि जो असली संजीवनी बूटी है वो गैनोडर्मा ही है। उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है जो संजीवनी बूटी के अंदर जो गुण धर्म पाए जाते हैं, वही सेम मिलते हुए गुण धर्म ये गैनोडर्मा के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा डॉक्टर रिचर्ड गार्डन वासन ने अपनी बुक के अंदर लिखा है। आयुर्वेद ग्रंथ है आर्यभिषक के अंदर ऐसा बोला गया है, ऐसा उसमें लिखा गया है, जब ईश्वर ने गैनोडर्मा को पृथ्वी पर उतारा तो अपना चातुर्य दिखाया, अपना चातुर्य का प्रदर्शन किया, ऐसा लिखा हुआ है आर्यभिषक के अंदर।
अगर मैं बाइबल की बात करता हूँ, बाइबल में गेरोडोमा को फूड ऑफ एंजल्स, देवताओं का भोजन ऐसा बोला गया है, कॉर्न ऑफ हेवन, स्वर्ग का हीरा, ऐसा बाइबल के अंदर इसको लेके मेंशन किया गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं तो इसको वात और पित्त जो तीन दोष होते हैं, ये उन वात का भी पित्त का भी और कफ तीनों दोषों को ये बैलेंस करता है गेरोडर्मा। कितना जबरदस्त हर्ब है ये कोई चीज को कम या ज्यादा नहीं करता, बैलेंस कर देता है, नॉर्मल रहता है। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्वस्थ, अस्वस्थ हर व्यक्ति इसको खा सकता है। एज ए टॉनिक के रूप में इसको खा सकते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए खा सकते हैं, बॉडी में पावर, ताकत, एनर्जी डालने के लिए खा सकते हैं। इसे खाना है हमें सबको। हमें क्यों खाना है इसे? क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये जाता है और स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग करता है किस चीज का? जो हमने पूरे दिन में जहर खाया, पॉइजन खाया, जो टॉक्सिन गया पूरे शरीर के अंदर, जो पानी के माध्यम से टॉक्सिन गया, हमारे भोजन के माध्यम से टॉक्सिन गया, जहर गए, बहुत तरह के कीटनाशक हमारे शरीर में गए हैं, ये उनको जाके सर्च करता है पूरे शरीर की एक एक कोशिका के अंदर। उसके बाद दूसरा काम करता है ये पूरी जो पूरे शरीर की साफ सफाई करता है। जैसे हम मकान में अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं और कचरा गंदगी मकान से बाहर चली जाती है, ऐसे ही गेरोडर्मा पूरे शरीर की साफ सफाई करके लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, कफ खांसी के रास्ते पूरे शरीर की साफ सफाई कर देता है, एक एक सेल की साफ सफाई कर देता है। डॉक्टर राजवंशी, आज आप हमारे साथ आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।